हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब मौज बहार, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? कर रहे हो सारे? तो आज आपके सामने फिर मैं आया हूँ लाइव क्लास में, और इसके अंदर हम आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे प्रैक्टिकल कैश बुक के। जब तक हम अच्छे से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर लेते, कॉन्सेप्ट वाइज तो हो गया है, अब जब तक हम कुछ अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कर लेते तब तक नहीं छोड़ने वाले। आज आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि देखो जनरली मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और शिक्षा धाम के नोट सेक्शन में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। कहता है कैश इन हैंड अक्टूबर 2019 अक्टूबर है, मैंने एक कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले लिखेंगे डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, LF, इसमें कैश लिख देते हैं, इसमें बैंक चैप्टर। तो देखो क्या कहना, इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते। LF, कैश और बैंक, निहायती आसान क्वेश्चन, निहायती। सबसे पहले 2019 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और अक्टूबर में देता है, 1 अक्टूबर को, 1-10 को। तो टू बैलेंस BD लिखेंगे, टू बैलेंस बैलेंस BD। ठीक है, अब टू बैलेंस BD कैश का भी है और बैंक का भी है, 25,000 और 75,000, 25,000 और 75,000 रुपये। तो इसका 25,000 आ गया और इसका 75,000। चौथी फोर्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है ये आपकी, ठीक है, कैश बुक की। सेवन में कहता है बॉट गुड्स अगेन चेक, चेक के द्वारा 7 तारीख को आपने 15,000 रुपये का सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है। तो बाय परचेज, अगर स्टेशनरी खरीदते तो स्टेशनरी लिखते हैं। कितने रुपए का खरीदा है मैंने? 15,000 रुपए का, 15,000। ओहो, चेक से खरीदा है, तो देखो गलती, यही गलती आप कर देते हो, बैंक में लिखना है। फिर से कहता है बॉट गुड्स, 8 तारीख को फिर सामान खरीदा, 5 का बताया नहीं, 8 तारीख को बताया नहीं, तो सिंपल बाय परचेज, और 5,000 रुपये का नहीं बताए तो अजम्पशन है कैश में। ऑनर आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक, ऑनर आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक, सिर्फ इस पॉइंट के लिए मुझे आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। हमारा एक्सेप्टेंस देखो, जैसे मान लो ये बिजनेसमैन है, ये हमारा बिजनेसमैन है, ध्यान से सुनना, एक्सेप्टेंस क्या होता है। और ये एक और व्यक्ति है, सपोज करो ये सप्लायर है, सप्लायर, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने इससे सामान खरीदा, सामान खरीदा, मान लेते हैं 5,000 रुपये का सामान खरीदा, तो नाउ इस बिजनेसमैन को 5,000 रुपये इसको देना है सप्लायर को, है ना? इस बिजनेसमैन को 5,000 किसको देना, जाके सप्लायर को। जब ये बिजनेसमैन इस सप्लायर को 5,000 रुपये देने की बात करेगा और देने जाएगा इनफैक्ट, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको चेक दे दे और कैश दे दे, या तो इसको ये कैश देगा या फिर चेक देगा, दो चीजें। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो ये बिजनेसमैन के पास एक थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये बिजनेसमैन बोल सकता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, यानी क्रेडिट पे। लेकिन सप्लायर क्या कहता है कि भाई मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं है, मैं तो उधार माल दूंगा नहीं तुम्हें, चाहे जो मर्जी कर लो। ऐसे सिचुएशन में बिजनेसमैन ने इसको भरोसा, इसको आश्वासन देने के लिए क्या करा, इसने इसने क्या करा
इसने इसको भरोसा देने के लिए थोड़ा सा कि भाई तुम मुझे उधार दे दो, इसने एक रिटर्न में स्टैम्प पेपर पे सपोज करो लिख के दे दिया कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं विश्वास, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं कसम खा रहा हूं मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक पेपर पे लिख के दे दिया। तो जो ये जो पेपर है ना, इसको कॉल करेंगे बिल्स पेबल, ठीक है? और इसके बाद इसको ये एक्सेप्ट भी करता है मैं पैसे दूंगा, इसको ये एक्सेप्ट भी करता है मैं पैसे दूंगा। सपोज करो 3 महीने बाद हो गया, 4 महीने बाद हो गया, 5 महीने बाद हो गया, ये देने की बात करेगा। तो जब ये इसको पैसे देगा, चेक पैसे कैश दे या चेक दे देगा, तो ये वाला जो कसम वाला पेपर है ना, इसका प्रॉमिस वाला पेपर, ये क्या करेगा, इसको लाके वापस दे देगा। तो इसके जेब से पैसे निकलेंगे, मान लेते हैं चेक से निकला तो 5,000 रुपये बिजनेसमैन के जेब से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बिल्स पेबल जो एक्सेप्टेंस था, बिल्स पेबल के बदले इसने पैसे दिया। समझ में आई बात? यानी एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ये पेमेंट तो देगा, लेकिन किसके बदले देगा? बिल पेबल। तो 10 अक्टूबर की एंट्री है हमारी, 10 अक्टूबर की एंट्री है, हम बाय साइड में लिखेंगे और बाय लिखेंगे बिल्स पेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बिल बीपी 5,000 रुपए। चेक से बात करी है तो चेक से बैंक से निकलेगा। समझ में आया बात? यानी जब कभी भी हम एक्सेप्टेंस की बात करें, तो अगर हम एक्सेप्टेंस देते हैं तो हमें उसे पेमेंट देना पड़ता है, और जो एक्सेप्टेंस का नाम है उसे बिल्स पेबल बोलते हैं, ठीक है? पेड मिसलेनियस एक्सपेंस 150 रुपए, कितने तारीख को? 14 तारीख को, 14 अक्टूबर। तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस 150 रुपए, तो कुछ नहीं बोला तो कैश में ही रहेगा। चलिए आगे कहता है, रमेश हु ओड 5,000 बिकम बैंक करप्ट 50 पैसा इन अ रुपी। कोई ऐसा व्यक्ति था रमेश, जिससे कि 5,000 रुपए की बातचीत चल रही है यहां पे, उसने पैसे तो दिए लेकिन सिर्फ 50% ही दिए, वो बैंक करप्ट हो गया, और उससे टोटल जो हिसाब किताब था हमारा 5,000 रुपए का था। तो पैसा मिलेगा हमें ये 18 अक्टूबर को, ध्यान देना बैड डेट्स वाली है ये, 18 अक्टूबर को पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? रमेश से। लेकिन रमेश से 5,000 में 50 पैसे का मतलब है कि भाई 5,000 में पूरे 5,000 नहीं मिलेंगे, इसका सिर्फ कितना मिलने वाला है? 50%। तो सिर्फ 2,500 रुपए मिलेगा, और कैसे मिला? 50 पैसा इन रुपी, कुछ नहीं बताया, तो यहां पे अजम्पशन ले रहे हैं कि कैश में मिल गया होगा, कैश में मिल गया होगा, ठीक है ना? कैश में मिल गया। बाकी के 2,500 का क्या हुआ? बैड डेट्स बताओ, बैड डेट्स नॉन कैश आइटम होता है, तो बैड डेट्स की एंट्री हम नहीं करते कभी भी। तो एक और नोट सेक्शन में नोट बनाना, हमने जब फॉर्मेट बनाया था तो नोट लिखा था ना, 2-3 नोट, तो एक ये भी नोट रहेगा कि बैड डेट्स के केस में एंट्री नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना। बैड डेट्स के केस में, इन द सेंस, कहने का मतलब है कि अगर देखो 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 में से अगर 4,000 रुपए हमें नगद मिल गया तो इसकी तो एंट्री कर देंगे, बाकी 6,000 रुपए अगर मेरा डूब गया तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। अगर इन केस मेरा पूरा का पूरा 10,000 ही डूब गया, 1 रुपए भी नहीं मिली, तो किसी की एंट्री नहीं करना जी, बस यही समझाना है। चलिए, रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, मनोहर से कैश मिला है, कब मिला है जी? 20 अक्टूबर को, टू मनोहर, टू मनोहर कितने? 7,500। टू मनोहर 7,500, दिख रहा है? क्लियर। और यहां कहता है अलाउ डिस्काउंट 250 रुपए। तो देखो, रिसीव कैश, काफी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं, इसके लिए मैं नोट लिख दूंगा अभी, ठीक है? काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डिस्काउंट कम माइनस करें, नहीं, जब आगे आ जाए ना रिसीव या फिर वर्ड आ जाए पेड, तो इसका मतलब डिस्काउंट पहले से ही माइनस है, पहले से ऑलरेडी माइनस है। लेकिन जब आ जाए वर्ड ड्यू
और आगे आपको सेल्स की वैल्यू दे दे, तो इस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा, या वर्ड आ जाए फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। ये देखो हर जगह फिट नहीं होता, बस एक समझाने का है कि ये पॉइंट होते तो ऐसा करते हैं, बाकी आपको खुद ही सेंस लगाना पड़ेगा, खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसमें हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे देखो इस एंट्री में क्या कहता है, रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, यानी रिसीव्ड हो चुका है और सीधा 7500 रिसीव हुआ, तो इसलिए 7500 लिख दिए। डिस्काउंट पहले ही माइनस है तो डिस्काउंट का रोल नहीं है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 4000, 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से निकालेंगे तो एक किस पे फर्क पड़ेगा, एक कैश के ऊपर फर्क पड़ेगा और एक बैंक के ऊपर फर्क पड़ेगा। जब बैंक से निकाला तो कैश हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसा आएगा, और बैंक माइनस हो जाएगा, तो कैश को प्लस कर देते हैं। इधर किस नाम से प्लस करेंगे, जी बैंक के नाम से, कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश में आ गया हमारा 4000। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बाय साइड में इसी की डबल एंट्री भी करते हैं हम। बाय बैंक के बाद बाय कैश, कैश निकल गया कहां से, 4000 रुपए बैंक से, और ये भी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा। डेट रहेगा हमारा सेम 23/10। पेड टू घनश्याम एंड रिसीव, देखो यहां पेड आ गया एंड रिसीव डिस्काउंट 100, तो पेड करा मैंने घनश्याम को 3000 रुपए, तो भाई इसमें से डिस्काउंट तो माइनस है, 24/10 बाय घनश्याम। आगे घनश्याम एंड कंपनी है, पूरा लिख देना आप, घनश्याम एंड कंपनी, घनश्याम एंड कंपनी 3000, चेक वगैरह बताए नहीं तो कैश में ही मानेंगे, है ना। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, अगर बैंक से हम अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, सोचिए, पर्सनल, याद करिए, पर्सनल एक्सपेंस, तो ड्राइंग होगा, ये कॉन्ट्रा नहीं है। तो 25 तारीख को बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग, और ड्राइंग में क्या लिखेंगे, 3000 रुपए, और ये बैंक से निकाला गया। चलिए, गुड सोल्ड, सेल्स किया है 11000 रुपए का 27 तारीख को, तो सेल्स किया है तो पैसा आएगा, टू सेल्स, सिंपल सा लॉजिक है ना, याद है ना आपको कि भाई जब हम कुछ भी नहीं बोला तो कैश में मान लेते हैं, कि जब हमारा पैसा रिसीव होता है तो इस साइड और पेड होता है तो इस साइड, याद रखना है आपने। रिसीव चेक फ्रॉम गुड सोल्ड, मैंने कोई सामान फिर से बेचा और चेक मिला, तो सामान बेचने की ही बात कर रहा है ये, तो कोई बात नहीं, अगेन हमारा सेल्स होगा। और देखो कितना घुमा के बोला आपको, जो सिंपल बच्चे जो क्रिएटिव माइंड से नहीं सोचते ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो घूम जाएगा, सर रिसीव चेक किया है क्या लिखे, भाई उसने बोला है कि सेल्स के बदले रिसीव किया है, तो अल्टीमेटली जो यहां मोटिव है वो तो सेल्स ही है ना। अगर मैं आपको ऐसे बोलता ना, गुड सोल्ड बाय चेक, तो फट से समझ जाते, उसी को घुमा फिरा के बोला है। 29, रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5000 एंड डिपोजिट 3000 आउट ऑफ इनटू बैंक। अब अखिल से मुझे 5000 मिले, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ले लेते हैं 29/10 को, अखिल से, टू अखिल, अखिल से मुझे 5000 मिले, तो ये लो जी मैंने 5000 लिख दिए। अब जब मुझे अखिल से 5000 मिले हैं और मैंने क्या किया, 5000 मिलने के बाद उसमें से, एंड कहता है कि रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5000 एंड 3000 आउट ऑफ इनटू द बैंक, इसी 5000 में से 3000 बैंक में जमा करें। अच्छा, अब अगर हम बैंक में जमा करने जा रहे हैं तो फिर से तो बैंक में जमा करेंगे तो दो जगह इंपैक्ट पड़ेगा, कैश माइनस और बैंक प्लस, तो फिर इधर एक एंट्री करना पड़ेगा और इधर हमें बैंक को प्लस करना पड़ेगा, और बैंक किसके नाम से प्लस करेंगे, क्योंकि हम कैश जमा करने जा रहे हैं, बैंक में क्या करने जा रहे हैं हम, यहां पे नॉर्मली कैश जमा करने जा रहे हैं, तो बैंक में कैश जमा करने जा रहे हैं, तो टू कैश और 3000 रुपए, समझे बात को, ये कॉन्ट्रा एंट्री। सेम डेट रहेगा 29/10 जी, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब दूसरा, कैश को माइनस करिए, तो बाय साइड से माइनस हो जाएगा बैंक, और बैंक के नाम से कैश माइनस होगा ना, सीखा था ना, भूल गए नालायक, कॉन्ट्रा एंट्री। डेट क्या आएगा, 29/10, यही डेट। तो देखिए
पहले तो सारा पैसा रिसीव कर लिया कैश में, उसके बाद इसी में से 3,000 जमा कर दिए। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमने पहले 5,000 रुपए रिसीव किया, अब 5,000 आ गए, अब भूल जाओ, अब थोड़ी देर अलग एंट्री। अब 3,000 मैंने इसी 5,000 में से जमा किए, अब इसमें से किए या किसमें से किए, जमा तो हो रहा है हमारे पास से, तो कैश गया होगा तो कैश माइनस कर दिया, बैंक प्लस हुआ तो बैंक प्लस कर दिया, और ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। बस जी बस खत्म, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब बस हम टोटलिंग कर देते हैं इसका फटाफट से, और फटाफट हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करना है आपने। ओके सर, बिल्कुल नोट करेंगे, टोटल करते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में टोटल एकदम। 25,000, 2,500, 7,500, 4,000, 11,000 और 5,000, ये आ गया 5,500। चलिए अगले पॉइंट पे, 75,000, 19,000 और 3,000, 97,000। अब 55,000 माइनस 5,000 माइनस 150 माइनस 3,000 माइनस 3,000, तो ये आ गया हमारा 43,850 बाय साइड में, बाय बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा, 43,850। तारीख क्या है यहां पे, 29 के बाद हमारा 10वां महीना है तो 31/10 रहेगा। अब ऐसे ही माइनस कर देते हैं, यहां टोटल तो लिखेंगे, देखो 55 और 97 है ना, दोनों साइड टोटल सेम रहेगा, 15,000, 5,000 और 4,000 और 3,000। ये लो जी, इसका टोटल हमारा क्या आ गया, दूसरे का टोटल, दूसरे का 70,000, एकदम करेक्ट, कोई टोटलिंग मिस्टेक नहीं है ना। तो आप यकीन मानिए, अगर आप साथ के साथ करोगे ना, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं बोलता हूं कि आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा। कैश बुक का देखा आपने और फटाफट कर दिया, लॉजिक समझो, लॉजिक, रट्टे पे नहीं जाना, यहां पे लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस बीडी, ओहो बैलेंस बीडी में क्या आएगा हमारा, एक का आएगा 43,850 और एक का 70,000। चलिए जी नोट करिए, डन, नोट करिए। सर आपने बोलते हो वो चीज, आपने तो लिखा नहीं, आपने लिखा नहीं, ओके लिख देता हूं, पॉइंट नंबर वन नोट। इन केस फुल अमाउंट बैड डेट्स देन नो एंट्री डन इन कैश बुक, इन कैश बुक कोई एंट्री नहीं होगा। सेकेंड, इन केस, इन केस एनी पर्सन बैंकक्रप्ट, एनी पर्सन, आपके इसमें बैंकक्रप्ट देन पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट पेमेंट जो रिसीव किया है विल बी एंटर इन कैश बुक। लो जी दो नोट लिख दिया हमने, ठीक है। अब जल्दी जल्दी एकदम फटाफट से नोट करके दिखाइए आप, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट करिए, है ना जी। सर नोट करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करना है आपने, ऐसा नहीं कि टाइम पास नहीं करना आपने, इस बात का ध्यान रखिए। कमेंट मैं आप सभी के देखूंगा, पहले मैं अपना काम कर लूं।
डन। नोट करिए जल्दी 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 नोट करिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे एक और बड़ा क्वेश्चन। मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पे ताकि आपके ना प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी चलिए। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कई बार ना हम LF को JF भी लिख देते हैं, जर्नल फोलियो। चलिए जी डन, क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, साथ में डिस्प्ले तो मैं करता हूं, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। इसमें चंद्रिका ने अपना बिजनेस कमेंस किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस कौन कर रहा है, नहीं कर रहा, उसका नाम पढ़े ताकि हमें पता चलेगा। कहीं पे लिखा हो चंद्रिका पेड, तो हमें पता चलेगा कि भाई चंद्रिका ही हम ही है और हमने पेड किया है। चलिए, 1 जनवरी को कमेंस किया बिजनेस 2020 और जैन फर्स्ट, 1 जैन। जब इसने बिजनेस को कमेंस किया है तो कैश में और 1 लाख रुपए लगाए, बहुत बढ़िया उमदा, बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट किया इसने। उसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD नहीं लिखना क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, भूल गए ना, टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और 1 लाख रुपए कुछ नहीं बोला तो मान के चल रहे हैं, बोला है बिल्कुल बोला है कैश में 1 लाख रुपए। 3 जैन को सी ओपन अ करंट अकाउंट विथ सेविंग चेक, 3 जैन को। तो देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कितना चालाक है, कहा कि चंद्रिका ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है। बैंक अकाउंट जब ओपन करेगा तो अल्टीमेटली आप खुद सोचो, आप कैसे बैंक अकाउंट ओपन करोगे? अपने घर से पैसे ले जाओगे तभी तो ओपन होगा आपका अकाउंट। ऐसे इसने किया, इसने बैंक का अकाउंट ओपन किया। जब बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो इसके कैश पे फर्क पड़ा होगा क्योंकि अपने घर से कैश ले गया होगा तो माइनस, और बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब बैंक के अंदर पैसे प्लस हो गए होंगे। तो ओहो, कितने रुपए से ओपन कर दिया इसने, बैंक को तो प्लस कर ही दे, अकाउंट ओपन हो गया। और यही अपने घर से चेक लेके आती ना। ओहो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, बैंक ओपन होगा। तो अभी जो मैंने बताया था, ध्यान देना, बाय मिस्टेक मैंने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूं। सी ओपन अ बैंक करंट अकाउंट विद हर सेविंग अकाउंट, यानी ये बिजनेस से पैसे नहीं निकाले, अपने घर से लेके आई ये, और घर से लेके आई है तो घर से जब भी पैसे बिजनेस में लगेंगे तो हमेशा याद रखना, चाहे शुरू में लगे चाहे कभी भी लगे, उसको कैपिटल से इंट्रोड्यूस करेंगे। और 10 लाख रुपए, अब ठीक है, ये बहुत पैसा लेके आई है, ये बहुत पैसे वाली लड़की है। 4 जैन को कहता है कि इसमें सी रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी एज एडवांस 60,000। तो रिसीव किया इसने 4 जैन को चेक, रिसीव किया। अब हमें यह देखना है कि इस चेक को जमा करवाया नहीं करवाया। आगे कहता है कि उसने जो 4 तारीख को चेक रिसीव किया, ध्यान से देखो तो 4 तारीख को जो चेक रिसीव किया, 7 तारीख को उसने बैंक में जमा करवाया। तो 4 तारीख को अब मैं एंट्री करूंगा चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड, क्लियर। और 60,000 रुपए बैंक में आ गए, और 7 तारीख की कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसकी हम जर्नल भी करके दिखा देते हैं, ठीक है।
इसकी हम जर्नल भी करके दिखा देते हैं। एंट्री इतना भी नहीं है, हो जाएगा जर्नल। क्या होगा हमारा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है भाई, कीर्ति एंड कंपनी, और 60,000 रुपये। बींग बींग चेक रिसीव फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, ये लिखना। जर्नल एंट्री करना है आपने। चेक इन हैंड अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका जर्नल एंट्री यू मस्ट आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद सी एडवांस, उसने एडवांस रतन बाय चेक। तो अब इसने कहता है कि इसने 35,000 रुपए का इसने एडवांस रतन एंड कंपनी को बाय चेक। अब क्वेश्चन में देखो ये मेंशन नहीं है कि इसने चेक को एडवांस रिसीव किया या दिया है, तो यहां पे है उसने एडवांस दिया होगा क्योंकि वो रतन एंड कंपनी को रिसीव वर्ड नहीं है, तो मान लेते हैं यहां पे दिया है 10 जन को, 10 जन को। तो सी एडवांस्ड किसको दिया इसने, रतन एंड कंपनी को, तो रतन एंड कंपनी बाय रतन एंड कंपनी को क्या दिया इसने, ब्रैकेट में लिख देता हूं एडवांस, और चेक से पैसे दिए कितने रुपए दिए भाई, कितने दिए, 35,000 रुपए। तो ये आ गया 35,000। कोई डाउट नहीं सर। 10 तारीख के बाद 12 तारीख त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू बैंक अकाउंट, त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू बैंक अकाउंट, अब किसके बैंक में, हमारे बैंक में जमा करा दिए 47,500 12 तारीख को। अब अपने बैंक की बात थोड़ी करेगा त्रिपाठी, हमारे बैंक की बात करता है। त्रिपाठी एंड कंपनी, त्रिपाठी जी ने हमारे बैंक में जमा करवा दिया, ओके त्रिपाठी जी 47,500 ये लो जी। इसके बाद कहता है 15 में, शी रिसीव चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 3,500 रुपए। अब उसने चेक रिसीव किया वारसी से और उसको डिस्काउंट दिए, तो अब रिसीव हो गया चेक, और आगे और देखें बैंक में जमा तो अभी कराने की बात कर ही नहीं है, तो आगे चेक करते हैं कि बैंक में जमा हुआ ही नहीं। 15 तारीख के बाद चलते हैं 20 तारीख को, नो नो नो, कोई भी कैश रिसीव हुआ कुछ भी नहीं हुआ, सी पे इंक्लूडिंग चेक 15 और 20। अब ध्यान से देखिए 25 तारीख को, 25 तारीख को इसने कहा कि जो चेक रिसीव किया है इसने, जो भी चेक रिसीव किया है उस चेक को, और 20 तारीख को जो भी कैश रिसीव किया है, कुछ मिला उला के 1,00,000 जमा करें, एंट्री इंपॉर्टेंट। तो 15, 20 और 25 तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए आप। तो 15 तारीख को इसने चेक रिसीव किया है तो जमा तो हुआ नहीं, तो 15 तारीख को मैं क्या एंट्री करूंगा, 15 तारीख को 15 जैन जमा नहीं हुआ तो 2, जब रिसीव हुआ चेक इन हैंड, हैंड चेक इन हैंड 47,500, 47,500 ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इसका जो चेक था, ये कौन सा चेक था भाई, डेट नहीं लिखा, यहां तक समझ में आया, इसकी एंट्री एक और करनी है, मैंने देखा नहीं, देखा नहीं 10 तारीख, ये 7 तारीख की एंट्री थी, और सॉरी ये 4 की, और एक और 7 तारीख की एंट्री हम करेंगे। क्या एंट्री करेंगे सर 7 तारीख की, जब चेक को जमा करवाया तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा और सेम अमाउंट रहेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी हम चेक को रिसीव करते हैं और जमा उसके अगले दिन करवाते हैं, तो जिस दिन रिसीव होता है उस दिन तो एंट्री करते हैं चेक इन हैंड से, बोलो समझ में आए कि नहीं है, उसकी जर्नल एंट्री भी कर देते हैं, लेकिन जिस दिन बैंक में जमा करवाया जाता है उस दिन हम इसमें तो एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन एक जर्नल एंट्री जरूर करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम बींग
क्या लिखेंगे बोलो, बींग डेटेड फोर जैन चेक डिपॉजिट, 4 जनवरी वाले चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो दो एंट्री है, जब आपका चेक रिसीव होगा तो यहां भी एंट्री करेंगे और ये भी जनरल एंट्री, लेकिन जब चेक जमा कराएंगे तो यहां एंट्री नहीं होगा, कहां होगा, सिर्फ जनरल एंट्री में एग्जामिनर को करके दिखाना है। समझ में आई ना बात जी। अब त्रिपाठी की बात करते हैं, उससे 47,500 का चेक मिल गया, सी रिसीव चेक फ्रॉम वारसी से भी हो गया हमारा, सी रिसीव कैश 7500 रुपीज, अलग अलग है, तो मैं पहले कैश रिसीव कर लूं, धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, किससे रिसीव किया भाई चेक, कल्याण, कल्याण, कल्याण से चेक मिला 7500, ओ कैश, पहले कैश की बात, ज्यादा कंफ्यूज मत करो मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो कैश ठीक है, यानी इसको तोड़ दिया मैंने, इसकी एंट्री कर ली। इसके बाद आगे और चेक भी मिला इसे 10,000, इसे चेक भी मिला है 10,000 रुपए का, ठीक है। तो चेक भी 10,000 का है तो इस चेक को भी लिख देते हैं टू चेक इन हैंड। ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, 10,000 का और ये भी 20 तारीख के हैं। अब हाँ 25 को कहता है सी पे इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव 15 और 20, इसने 15 और 20 का चेक का रिसीव कर दिया और 1,00,000 रुपए। ध्यान से देखिए, अब इधर देखिए, मैं आपके सामने इधर आ रहा हूं, हुआ क्या, सबसे पहले 15 तारीख को, 15-10 को मुझे एक चेक मिलता है और चेक मिलता है मुझे टोटल कितने रुपए का, 15 तारीख को 47,500 का, लेकिन इसे बैंक में नहीं लेके जाते, बैंक में लेके नहीं जाया जाता, तो ये हमारा चेक इन हैंड में चले गया था। फिर से 20 तारीख को एक ट्रेजेडी होता है हमारे साथ, एक पर्सन से हमें पेमेंट मिलता है, एक चेक और मिलता है और वो चेक होता है हमारा 10,000 का, इसे भी बैंक में नहीं ले जाया जाता, बैंक में नहीं ले जाता, तो इसकी अगेन एंट्री कर देते हैं चेक इन हैंड। और सेम डेट पे मुझे कैश में मिलता है और कैश कितने का मिलता है 10,000। पहले बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, 3 एंट्री था, सबसे पहले 15 तारीख को चेक मिला, मैंने लिखा जी 15 तारीख को देखो चेक, चेक इन हैंड, 20 तारीख को एक और चेक मिला चेक इन हैंड, और 20 तारीख को ही कैश मिला तो कैश लिख दिया, कैश सॉरी 75,000 है, 7500 हमारा कैश है, ठीक है। दोबारा देखिए, 15 तारीख को चेक मिला तो चेक इन हैंड के नाम से, 20 तारीख को कैश मिला तो कैश के नाम से और चेक इन हैंड, लेकिन 25 तारीख को एक नई कहानी बताई इसने कि भाई मैंने बैंक में जमा किए हैं, मैंने बैंक में जमा किए हैं टोटल 1,00,000 रुपए। भाई कहां से जमा किए, तो इसने कहा कि जो 15 और 20 तारीख वाले चेक थे वो, तो इसका मतलब 15 और 20 तारीख वाले अगर चेक को मिला दिया जाए तो 57,500 रुपए जमा किए होंगे इसने 15 और 20, कैसे, 15 तारीख का था 4700, अगर दोनों को मिला दे तो 4700 और प्लस 10,000, तो भाई तुम तो दोनों चेक को अगर मिला दो तब भी तुम्हारा टोटल कितना बनता है, 57,500 ही तो जमा करवा सकते हो तुम बैंक में। क्वेश्चन में देखिए कैसे घुमाया है, कहता है सी पे इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव 15 और 20 जनवरी, और अमाउंट दिया कि भाई मैंने जमा 1,00,000 कराए, तो भाई ऐसे कैसे पैसे जमा हो गए जब 57,500 टोटल बनता है, इसका मतलब है बैलेंस उसने अपनी कैश जमा करवाया होगा, देखा बैलेंस कैश, तो कैश का अमाउंट अगर मैं निकालूं यहां पे तो कैश का अमाउंट होगा हमारा, कैश अमाउंट 52,500 रुपए इसने कैश डिपॉजिट कराया। तो जो 25 तारीख की एंट्री है इस चेक की एंट्री कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, जी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इस चेक की एंट्री कर चुके हैं या नहीं कर चुके, जी कर चुके हैं। देखिए मैं यहां पे अलग मार्कर से रेड कर देता हूं, लाल कर देते हैं इसको, लाल ये लीजिए लाल, ये देखिए हो चुका है। क्या मैं इस चेक को जब जमा करवाने जा रहा हूं तो दोबारा एंट्री करूंगा, आंसर इज नो। अब फिर से बात आती है सर इसकी तो जर्नल करनी पड़ेगी, बिल्कुल जर्नल करनी पड़ेगी।
आप जर्नल एंट्री करोगे, इसकी भी जर्नल एंट्री जैसे मैंने ये करा इसी के तरीके से, और रजिस्टर में करके भेजना है मुझे, मैं चेक करूंगा आपका, इसकी जर्नल एंट्री डन और एक इसकी जर्नल एंट्री। और जब डिपॉजिट करवाया तो 25 तारीख की एक ही एंट्री करोगे आप, लेकिन 25 तारीख को आप इकट्ठे दिखा देना 57,500। अब मुद्दे की बात, 1,00,000 रुपए में से 57,500 का हिसाब डन हो चुका है, तो अब हमें इसकी एंट्री के बारे में चिंता है। तो कैश डिपॉजिट हुआ हमारा, क्योंकि अगर 1,00,000 रुपए आपने टोटल बैंक में दिया है चेक जोड़ करके, तो चेक का पैसा अगर हमें पता है तो बाकी पैसे कहां से कैश जमा करें होंगे, तो इसका मतलब 42,500 कैश डिपॉजिट हुआ है। इट मींस ये क्या होगा 25 तारीख को, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश जमा किया है तो भाई, कैश जमा किया है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा, 42,500। तो टोटल में चेक करिएगा ये लाल वाली एंट्री, तो देखिए इन सबको जोड़िए, बैंक में जमा हो गए कितने, जमा हो गए 1,00,000। और बाय साइड में अगर हम देखें तो हमारा बैंक से और मेरा कैश कम हो जाएगा 42,500, है ना, 42,500। ध्यान दीजिएगा इसको, मैंने थोड़ी देर के लिए यहां से आपका स्लाइड जरूर हटा दिया है, जो क्वेश्चन था मुझे प्रॉपर यहां समझाना था, इसलिए अब मैं दोबारा यहां पे स्लाइड लगा देता हूं, पहले आप इसे समझिए। समझ में आया सर, एक बार और हो जाए, एक बार और बता दो। देखो 15-10 को मुझे चेक मिला, मैं बिल्कुल शांत था भाई, आराम से सो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 15-10 को चेक मिला, फिर मैंने देखा भाई इस चेक को तो जमा ही नहीं कराया अभी, इसको 25 को जमा कराया गया, तो मैंने बोला चेक इन हैंड के नाम से भाई एंट्री कर दो, ये लो जी एंट्री कर दिया। 20 तारीख को थोड़ा और इस क्वेश्चन में अंदर ट्विस्ट आया, बोला 20 तारीख को भाई मुझे मिला है चेक और कैश दो चीजें। मैंने बोला भाई चेक मिला है तो बैंक में लिख दूंगा और कैश मिला है तो कैश कॉलम में लिख दूंगा। ओके जी, कैश मिला है कैश कॉलम में लिख दूंगा, हो गया डन। लेकिन जब 25 को पहुंचे तो कुछ और बात बोल रहा है, 25 तारीख को बोलता है कि मैंने बैंक में जमा कराया 1,00,000। मैंने बोला जी क्या बात है, बैंक में जमा 1,00,000, बैंक में लिख दूंगा 1,00,000। लेकिन बोलता है ऐसे नहीं, जो चेक 15 और 20 को रिसीव किए थे वो दोनों मिलाकर 1,00,000। मैंने कहा है 47,500 और 10,000 दोनों मिला के तो यही अमाउंट होता है, दोनों मिला के 1,00,000 तो होता ही नहीं है, तो कैसे जमा कर दिए जी आपने 1,00,000। तो दिमाग निकला बैलेंसिंग फिगर, यानी जो डिफरेंस होगा वो 42,500 का किसमें जमा हुआ होगा, बिल्कुल कैश में, तो उस कैश के लिए मैंने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, ये लो रेड। ये 15-20 जितने भी मैंने ये रेड रेड नीचे लगाया है, तो 15-20 और 25 तीनों आपस में कनेक्टेड है। चलिए जी आपके सामने कंप्यूटर जी साइड में डिस्प्ले करें क्वेश्चन को, ठीक है आगे देखते हैं। सी पे चेक फॉर परचेज 27,500, कोई बात नहीं, बाय परचेज 27,500 रुपए 27 तारीख को, ओके। 28 को चेक रिसीव वारसी वॉज डिसऑनर्ड, ओ माई गॉड, जो वारसी से चेक मिला था, ये वारसी वाला है कौन सा है भाई, ये कौन सा चेक है बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, यानी यहां पे इंक्लूडेड है वारसी वाला चेक कौन सा है भाई, ये वाला है ना। बोला ये वाला चेक डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड के केस में याद करो नोट लिखवाया था, जब फॉर्मेट लिखवाया था, डिसऑनर्ड के केस में सिर्फ बाय साइड में एंट्री कर देंगे हम, टू में तो हो ही चुका है, बाय साइड में डब्ल्यू वारसी तारीख 28 और चेक डिसऑनर्ड हुआ, बैंक कम हो जाएगा कितने से 47,500। समझ में आई बात आपको, तो चेक देखो पहले रिसीव किया तो यहां हो गया, डिसऑनर्ड हुआ तो भाई में, बड़ा ही सिंपल यार, क्या इसके अंदर आप इतना ज्यादा सोचोगे, हो कितना मुश्किल काम, भाई इससे आसान क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने। बस सी पेड, उसने क्या करा, पे सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश 30-10 बाय सन्ड्री एक्सपेंस 30 रुपए, बड़ा छोटा अमाउंट पेड किया, 50 रुपए। 30 तारीख को सी पे जॉन्स एंड कंपनी, उसने पे किया है जॉन्स एंड कंपनी को, और
इन कैश इज अलाउड डिस्काउंट 3500 रुपये। अब 30 तारीख को फिर से पे किया है बाय जॉन, JOHN, जॉन एंड कंपनी। कहती है सी पे जॉन एंड कंपनी पे कर रही है इन कैश एंड अलाउड डिस्काउंट 3500 रुपये। तो इसका मतलब अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके लिए नोट देंगे। इसने बोला कि पे कर रही है, अब कर दिया या नहीं करा कुछ कंफर्म तो है नहीं जी, बिल्कुल करा या नहीं करा ऐसा तो कोई कंफर्म है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं इसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं है, डिस्काउंट माइनस करके करेंगे। इसके लिए नोट लिखूंगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो 37500 में से अगर मैं 3500 माइनस कर दूं, 37500 में से 37500 में से माइनस 3500, तो 34000 पेड किया होगा, ये मेरा अजम्पशन है। और कैश में पेड किया, कैसे पेड किया, लो पीछे देखते हैं, बताया ही नहीं, कैश बोला हुआ है। तो 34000, ठीक है 34000 नोट दे देंगे, ठीक है नोट। इस पे स्टार भी बना देते हैं, स्टार के नोट लिखना है कि जो डिस्काउंट है वो माइनस हमने करके किया है, ऑलरेडी माइनस नहीं है, मान लिया है। 31 तारीख को 31/10 इसने रेंट पेड किया है ऑफिस का 20000 का, तो बाय रेंट 20000। इसके बाद ड्रॉ चेक फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए 31 तारीख को इसने फिर चेक से पैसा निकाला है अपने ऑफिस यूज का, तो कॉन्ट्रा हो गया ना, क्योंकि ड्रॉ चेक किया है तो मेरे ऑफिस में पैसा आएगा और बैंक कम हो जाएगा। तो ऑफिस में पैसा आएगा तो ऑफिस में पैसा कहाँ से आएगा, ऑफिस में पैसा आएगा बैंक से। कितने का पेमेंट आएगा, 40000, और डेटेड है 31 तारीख, 31/10, और ये है हमारा कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। और सेम 31/10 को मेरे कैश के नाम से बैंक से निकल जाएगा कितने रुपए, 40000। ओके डन सर। फिर 31 को इसने स्टाफ को सैलरी दिया है बाय चेक, तो 31/10 को ही सैलरी दिया है, तो बाय सैलरी और बाय चेक कितने रुपए का दिया भाई, 30000 रुपए का दिया। ये तो सिंपल है लेने देने वाली, ये कुछ एंट्री थे कॉम्प्लिकेटेड। आगे देखते हैं, पेड कैश फॉर स्टेशनरी 2500 रुपये, सेम 31/10 को स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, तो बाय स्टेशनरी, और अमाउंट है 2500। कैश में बोल ही दिया, नहीं बोलता तो कैश मान लेते। परचेज गुड्स फॉर कैश 12500, भाई 31 तारीख को बहुत काम किया है, मेहनती लड़की है एकदम, 31 को बहुत काम किया है इसने। परचेज गुड्स खरीदा है कितने का, 12500 नगद में ही खरीदा है। सी पे कमीशन बाय चेक, जस जगपाल को कमीशन पेड किया है। अब कुछ बच्चे जगपाल के नाम से एंट्री कर देंगे, नहीं कमीशन पेड किया है हमने कमीशन, और कितने, 30000 रुपये। रिसीव चेक फ्रॉम कमीशन फ्रॉम रघुबीर एंड कंपनी एंड डिपॉजिट इनटू द सेम डे। ओके चेक रिसीव किया है, तो किस बात का रिसीव किया है, कमीशन के नाम का, रघुवीर से मतलब नहीं है, कमीशन। कितने रुपए का चेक, 50000 का, बैंक में बड़ा पैसा है इसके। कैश में सेल्स किया है 45000, सेम डेट पे 31/10 को, टू सेल्स सेल्स 45000 45000। अब इसकी जनरल एंट्री जो रेड रेड मार्कर लगाया है, इसकी जनरल एंट्री करना है, डिसऑनर्ड की भी जनरल एंट्री करना है, जो मैंने करा नहीं है, अभी मैं करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन सारा कर लिया, अब टोटलिंग करते हैं। आप क्वेश्चन को भी ध्यान से टैली करिए, साथ में डिस्प्ले मैंने कर रखा है, जैसे ही मेरा टोटल डन होगा मैं क्वेश्चन हटा दूंगा। 1,75,000, 192, इधर कहाँ चले गए भाई साहब, 500,
आप नोटिंग करते रहिए। हाँ एक छोटा सा मिस्टेक है इसमें, जल्दबाजी में मैंने ये जो मिला था ना, ये 45,000 मिला था, तो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब ये 45 मिला था, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये भी 45 होगा, और 55,000, और इधर आ जाएगा 45,000, ठीक है ना। काउंटर एंट्री मैंने 42,500 किया, इसको कर देते हैं 45,000, और इधर भी 42,500, ये इसको 45। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टेक ये हुआ कि जो 15 तारीख को चेक मिला, 47,500 लिख दिया मैंने गलती से, इसको लिखना चाहिए मुझे 45,000 वारसी से जो चेक मिला, मैंने ऊपर वाला अमाउंट लिख दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें डालना है मुझे, ओ 45,000, 50 रुपये, 34,000, 2,500, 12,500। एक और पॉइंट क्या डालना है मुझे यहाँ पे, एक और पॉइंट ध्यान से देखिए के जो ये वाला था ना, जॉनसन वाला, इसके लिए नोट लिखना है। जॉनसन वाले चेक को एक बार देख लेते हैं, आप नोट करते जाइए जॉनसन वाले में, क्योंकि यहां पे क्लियरिटी नहीं है। जॉनसन वाला जो चेक था, यहां पे इसने बोला पेज, इसने पे किया है, तो यहाँ पेज की जगह पे बुक में पेड लिखना चाहिए, तो कोई मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ भी पॉइंट मिस्टेक हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है, तो 37,500 ही लिख देते हैं इसको, 37,500, ठीक है ना। तो इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है ये मान लेंगे, पहले माना था माइनस नहीं हुआ है, अब मान लेते हैं कि हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। थोड़ा सा चेंजेस किया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। 50, 37,500 और 2,500 और 12,500, ये आ गया बाय बैलेंस, आप नोट करते रहिए। सीडी 94,950 और 31,10 को, ठीक है। अब बैंक का बहुत पैसा है बैंक में,
ओ माई खॉट, ठीक है। 12, 57, 500, 1,12,57,500। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इंग्लिश में बोलिए, तो लो बोल देते हैं 12,57,500, 35,000। ये आ गया, एक वारसी का चेक जो था, एक यहां भी गड़बड़ 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 गड़बड़, यहां भी होगा हमारा 4,500। पूरा ठीक कर दिया मैंने, और ये आ गया 10,30,000, और ठीक है। तो देखा एक जगह थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, कितने मिस्टेक्स हो गई। और 1,11 को टू बैलेंस BD 94,950,103, ये लो लाइन, ठीक है। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या था। क्वेश्चन आपने देख लिया, असाइनमेंट में भी है, आप, मैं हर किसी को बोलूंगा प्रिंट आउट निकाल के फिर करा करें। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि मैंने जो चेक, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से, 15 तारीख को एक चेक मिला था 45,000 का, मिला था, जमा नहीं हुआ था, मिला था, ठीक है ना। 15 तारीख को चेक मिला था 45,000 का, जमा नहीं हुआ। तो जब मुझे 15 तारीख को चेक मिला 45 का, तो ये देखो 15 तारीख को मैंने चेक इन हैंड के नाम से कर दिया। इसकी जनरल एंट्री भी करेंगे, ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री कर देंगे अभी। उसके बाद 20 तारीख को फिर चेक मिला 10,000 का, तो देखो 20 तारीख को चेक, और साथ के साथ कैश भी मिला, तो देखो 20 तारीख को ही कैश। तो ये तीन एंट्री देखिए, इन दोनों एंट्री के लिए मुझे चेक इन हैंड के नाम से एंट्री करना पड़ेगा। तो चेक इन हैंड के नाम से एंट्री कब होगा, एक 15 तारीख, एक 20 तारीख। तो 15 तारीख को सेम करेंगे चेक इन हैंड, मैं यहां पे कॉमा कर देता हूं, सेम चेक इन हैंड अमाउंट और बिंग, और सेम 20 तारीख को भी ऐसे होगा चेक इन हैंड। और ये 15 तारीख के बाद 25 तारीख को हुआ क्या, मैंने 1,00,000 रुपए जमा किए, जिसमें 45,000 रुपए का ये चेक था इस डेट वाला, और 10,000 का इस डेट वाला। तो इस डेट पे हम 25 तारीख को एंट्री करेंगे सेम, और दोनों मिला के कर देंगे अमाउंट, यानी हमारा 55,000 रुपये इस डेट पे जमा हो गया। क्वेश्चन कहता है लेकिन इस 25 तारीख वाले दिन में मैंने 55,000 नहीं जमा किया, हमने 1,00,000 किए हैं। तो इसका मतलब मैंने निकाला कि 45,000 क्या हुआ हमारा कैश, और जब कैश में हम बैंक में जमा करेंगे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट होगा, तो कैश घटेगा और बैंक बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने बैंक बढ़ा दिया और कैश मैंने घटा दिया, कहां घटा ये रहा, ठीक है। आगे जैसे जैसे गए तो पता चला कि वारसी का चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो वारसी से चेक कितना मिला था, ये वारसी है, मैं W लिख देता हूं, ये चेक डिसऑनर्ड हुआ, तो ये लो मैंने वारसी का चेक डिसऑनर्ड कर दिया, ये लो, ठीक है। और कोई मिस्टेक नहीं था, ये बस अमाउंट मैंने 47,500 लिया, जिसकी वजह से यहां पे ये भी गलत आ गया था, और जिसकी वजह से सारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था टोटल में। बाकी क्वेश्चन 900, सॉरी क्वेश्चन जो है वो 100% ठीक है। जी सर बिल्कुल ठीक है, आप नोट करिए फटाफट इस क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट से नोट करिए, क्वेश्चन 11 करा अभी हमने, 10 11 क्या है 11, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नोट करिए।
डन, कर लिया नोट? चलिए इसे मिटा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अंदर जो मेन मेन क्वेश्चन थे मैंने कर दिए हैं, एक क्लास और लूंगा मैं इसका, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको जीएसटी का, और रिटेन वाला जो था ना हमारा कॉन्सेप्ट, वो करके दिखाऊंगा। चलिए कुछ एक क्वेश्चन जो मेरे पास एक नेक्स्ट असाइनमेंट पे है, देख लेते हैं कौन से पॉइंट नहीं हो पाएंगे, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बैंक अकाउंट सेविंग से ये तो हमने कर लिया है क्वेश्चंस, और एक है रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम लॉज। तो हमने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से चेक रिसीव किया है अगेंस्ट क्लेम, कोई क्लेम होगा हमारा तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिला है, तो वो बैंक में टू साइड में आ जाएगा। इसके बाद एक एंट्री है इसमें जो कि मुझे थोड़ा सा, सुमन का चेक रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया इक्वल अमाउंट, ये तो पता है आपको। अगले असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है 11, उसमें कोई है नहीं ऐसा। 12वें में देखते हैं, 12 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में सोल्ड गुड्स दिस 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 एंड रिसीव चेक फ्रॉम अमित चेक ना 20 गुड्स 10,000 डिस्ट्रॉयड, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग, मैं 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ असाइनमेंट में, जो असाइनमेंट है होना चाहिए आपके पास। तो 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द आपका ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी क्लेम एडमिट इन फुल, कंपनी ने ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। अब यहाँ पे कंपनी ने फुल क्लेम रिसीव किया है और पैसा मिला नहीं है अभी, सिर्फ क्लेम करा है, तो ये 20 तारीख की एंट्री करेंगे नहीं, और नोट देंगे 20 तारीख में कि कंपनी ने अभी क्लेम करा है, पैसे की कोई बात नहीं है। रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी, अब अगले बार जो चेक रिसीव किया है इसकी एंट्री करेंगे और आगे कुछ नहीं है। चलिए 13 क्वेश्चन में, क्वेश्चन 13 में लास्ट क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरे के पूरे आपको 13 क्वेश्चन तक करने हैं। एक और क्लास लूंगा कैश बुक का, कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए घर पे और सारे होमवर्क मुझे टाइम पे भेजते रहिए, ठीक है? और मन लगा के करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, 2-3 घंटे में सारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।